Assalamu alaikum, one and all present here. So today I'm going to make a video on the topic subject verb agreement. This topic is having a lot of significance in English language. When we speak English or when we write it, okay, then it is very important that subject and verb are in agreement. There should be an agreement between these two. So जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, इसके नेम से ही हमें आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर हम किसी तरह के म्यूचुअल एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, राइट? अग्रीमेंट से यही मतलब है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब. ओके, सो द फर्स्ट एंड बेसिक क्वेश्चन, फॉरमोस्ट क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब. ऑल्दो वी हैव सो मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, there are so many parts of the speech, but हम almost 9 parts of the speech है, लेकिन हम उसमें किसी में agreement की बात नहीं करते, हम सिर्फ subject और verb में ही क्यों करते हैं. Okay, तो subject और verb basically because you see when we talk in English or when we write in English, then we are giving some sort of a statement. ठीक है, जब भी हम कोई बात हम कहते हैं या किसी काम के बारे में कोई बात करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कोई एक स्टेटमेंट कोट करना पड़ता है, राइट? स्टेटमेंट कोट करना पड़ता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में. सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इट कुड बी. तो सब्जेक्ट के बारे में हमें एक स्टेटमेंट कोट करना पड़ता है, राइट? जो भी हम बात करना चाह रहे हैं, तो अगर उसमें सब्जेक्ट को ही आप हटा दें या मिसिंग कर दें, तो कोई पॉइंट ही नहीं है डिस्कशन का, या किसी भी बात के बारे में आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो सब्जेक्ट का मेजर रोल होता है स्टेटमेंट. इफ़ यू आर गिविंग एनी स्टेटमेंट और राइटिंग एनी स्टेटमेंट, तो द सब्जेक्ट इज हैविंग अ मेजर रोल इन दैट. विदाउट सब्जेक्ट देर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और स्टेटमेंट. तो ये बात समझ में आ गई कि सब्जेक्ट जो है वो सबसे ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जो सब्जेक्ट बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नाउन होता है, तो यानी कि नाउन जो है, इसीलिए हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन को ही रखा है, क्योंकि उसका ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है. नाउन के बाद बाकी सारी और दूसरे जो पार्ट्स हैं स्पीच के, वो आते हैं. तो हमने बात की कि जो सब्जेक्ट है, नाउन को ही हम सब्जेक्ट बोल रहे हैं. तो वो जो सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रोनाउन भी हो सकता है समटाइम इट इज, तो इसीलिए आई एम यूजिंग द वर्ड सब्जेक्ट अगेन अगेन. तो सब्जेक्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब जब सब्जेक्ट की हमने बात कर ली कि हम किसी भी स्टेटमेंट को फ्रेम करने से पहले या कोई क्वेश्चन भी फ्रेम करने से पहले हमें एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, वी नीड अ सब्जेक्ट. ओके, तो जब अब सब्जेक्ट हो गया, तो हम फिर वर्ब को क्यों लाए? वर्ब को इसलिए लाए क्योंकि भाई हम व्हाट वी आर टेलिंग इन आवर स्टेटमेंट्स, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, द वट द सब्जेक्ट हैज़ परफॉर्म्ड एंड वट इट इज सपोज टू परफॉर्म. हम यही तो बात करते हैं कि सब्जेक्ट ने क्या किया, हम यही बताते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, तो वो किससे हमें पता चलता है? वो हमें पता चलता है वर्ब से. वर्ब ही है जो हमें एक्शन, सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में हमें नोटिफाई करता है, हमें बताता है, राइट? तो इसीलिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट और वर्ब का ही एग्रीमेंट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, हम उनके ही बारे में बात करते हैं, राइट? इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑलवेज वर्ब शुड अग्री विद द सब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पर वर्ब जो है, वर्ब अग्री करता है सब्जेक्ट के साथ. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वर्ब जो है वो वेरी करता है अग्रीमेंट में. ओके, तो ये एक तरीके का क्या है, ये एक म्यूचुअल एसोसिएशन है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में. तो पहली ये बात समझ में आ गई कि वाई वी नीड अग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. नेक्स्ट थिंग ये कि अगर कभी ऐसा होता है कि हमारे स्टेटमेंट में वर्ब सब्जेक्ट से अग्री नहीं कर रहा है, अगर कहीं पे इस तरह की कोई एरर है, तो इस एरर को हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी. इट इज़ कॉल्ड एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जब वर्ब सब्जेक्ट के साथ अग्री ना करे. ओके, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और इन पर्संस, राइट? तो ये तो बात हो गई कि हम वाई वी नीड दिस एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. ओके, नेक्स्ट थिंग ये कि इफ वी डू नॉट हैव द अग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, देन व्हाट दैट सिचुएशन इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी. तो हमने ये दो बातें डिस्कस की. अब थर्ड थिंग आती है, हम अग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं कि ये जो अग्रीमेंट है वो किस तरह का होता है. ठीक है, जब भी हम किसी अग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं, कोई लीगल अग्रीमेंट है, तो उसमें क्या होता है, उसमें दोनों पार्टीज की
म्यूचुअल जो कंसर्न्स होती हैं उनको मेंशन किया जाता है और फिर वो दोनों ही उस पर अग्री करते हैं कि ठीक है ये पॉइंट्स मैंने भी अग्री किए और ये तुम्हारे पॉइंट्स तुमने भी अग्री, तो दोनों ही पार्टीज़ के अपने उनके जो कंसर्न्स होते हैं वो लिखे होते हैं एंड दे बोथ आर म्यूचुअली हैप्पी विद दोज पॉइंट्स, उस पर उनका मतलब सेटिस्फाइड होते हैं तभी वो अग्रीमेंट फुलफिल होता है, अदरवाइज वो फिर नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो इसी तरह का कुछ सब्जेक्ट एंड वर्ब का अग्रीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कुछ पॉइंट्स हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब के हैं, तो अगर दोनों ही उसको फुलफिल कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि येस दिस स्टेटमेंट इज हेयर द सब्जेक्ट इज अग्रींग विद द वर्ब और वर्ब इज अग्रींग विद द सब्जेक्ट, तो हम फिर ये बात बोलेंगे कि ठीक है इस यहाँ पर वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ अग्री कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ओके, तो इसमें भी यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमारे पास नंबर ऑफ रूल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में सब्जेक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में होता है, डिफरेंट वेज में होता है, हम उसको कंसीडर कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब की जो परफॉर्मेंस होती है वो भी चेंज होती रहती है। तो वो आपको वो हमें हम उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि फिर वो रूल्स क्या हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये इतनी तो बात समझ में आ गई। अब जो वर्ब है वो जब अग्री करता है सब्जेक्ट के साथ तो वो या तो सिंगुलर फॉर्म में अग्री करेगा या प्लूरल फॉर्म में, तो दो फॉर्म्स में अग्री करता है, इधर सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो प्लूरल फॉर्म जो वर्ब्स की होती है ये तो आपको पता ही है क्या होती है, और सिंगुलर फॉर्म्स भी पता है, ठीक है, जैसे सिंगुलर हो गया वर्ब्स और प्लूरल हो गया वर्ब, ठीक है, इसी तरह से हैज़ हैव, तो ये जो हो ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स हो गए, ये तो आप सभी अच्छे से यू मस्ट बी नोइंग इट वेरी वेल। तो हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे कि सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म क्या होता है वर्ब का, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि वो रूल्स क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि वर्ब प्लूरल फॉर्म में कहाँ कहाँ एग्री करता है सब्जेक्ट के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस वेयर द वर्ब्स अग्रीइंग विद द सब्जेक्ट इन अ प्लूरल फॉर्म, जहाँ पे वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। तो हम पहले वर्ब की प्लूरल फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे किस किस सिचुएशन में सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है, ठीक है। आई एम ऑल टेलिंग ऑल डिस्कसिंग ऑल द रूल्स अबाउट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सबसे पहला जो आता है, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और दे आर ज्वाइंट टुगेदर बाई यूजिंग एंड, दे आर ज्वाइंट टुगेदर बाई यूजिंग एंड। इफ़ वी हैव टू और मोर देन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड दे आर ज्वाइंट टुगेदर बाई यूजिंग एंड, देन इट गोज विद प्लूरल वर्ब, ठीक है। मैंने क्या बताया, आई हैव सेड कि अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और उनको मैंने एंड को यूज़ करके ज्वाइन किया है तो जो वर्ब अग्री करेगा वो प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल, फायर गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर दो सब्जेक्ट्स लिए हैं मैंने और ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तो इनके साथ जो वर्ब आया है वो प्लूरल आया है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, अगर इफ देयर आर टू सब्जेक्ट्स एंड दे आर जॉइंड बाई ईदर नॉर और इफ वी हैव टू सब्जेक्ट्स एंड दे आर जॉइंड बाई इधर और नॉर एंड दीज टू बोथ दीज सब्जेक्ट्स अ वेरी इन नंबर, वन इज सिंगुलर एंड वन इज प्लूरल, देन द प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज स्टे क्लोज टू द वर्ब एंड इन सच केसेस द वर्ब शुड बी ऑलवेज प्लूरल। मैंने क्या बताया, मैंने ये बोला कि अगर मेरे पास दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और उनको मैंने और या नॉर को यूज़ करके सेपरेट ज्वाइन किया हुआ है और उसमें से एक सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब के पास होगा और वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही रहेगा। एग्जाम्पल, नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर चेयरमैन है और डायरेक्टर है, ठीक है, चेयरमैन एक ही होता है, डायरेक्टर्स मल्टीपल होते हैं, मैनी नंबर इन नंबर्स होते हैं, ठीक है, और उसको मैंने सेपरेट किया है नॉर को यूज़ करके, नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट, तो मैंने वर्ब कौन सा लगा है, वर्ब यूज़ किया है मैंने प्लूरल वर्ब, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो वर्ब के पास है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए अभी तक सो फार। ऐसे नाउन्स, नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग गोज विद द प्लूरल वर्ब, इस तरह के नाउन जो सिंगुलर होते हैं लिखने में तो सिंगुलर लिखे जाते हैं बट वो मीनिंग में प्लूरल है, जैसे कि डजन, डजन, ओके, तो उनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, दोज नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग गोज विद प्लूरल वर्ब। बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। इफ वी हैव यूज द कलेक्टिव नाउन इन अ सेंटेंस एंड
and it and we are talking about each and every individual of that collective noun, then it agrees with the plural verb. अगर मैंने कलेक्टिव नाउन यूज़ किया है अपने सेंटेंस में और उसमें अगर मैं सेंटेंस में हर एक इंडिविजुअल की बात अलग अलग सेपरेटली कर रही हूँ तो ऐसे में जो वर्ब अग्री करेगा वो प्लूरल होगा. जैसे एग्जांपल, द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट. यहाँ पे जो मैं कमेटी यूज़ कर रही हूँ इसमें मैं हर एक इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ क्योंकि वो एक माइनर पॉइंट पे वो जो है उसका डिवीजन हो गया, तो वो जो माइनर पॉइंट पे जो डिवीजन हुआ है तो वो उससे सभी कमेटी का हर मेंबर अफेक्ट हुआ होगा. भाई कोई उसके फेवर में होगा, कोई फेवर में नहीं होगा. तो इसीलिए जो ये सेंटेंस है वो क्या बता रहा है, ये एक माइनर पॉइंट की बात कर रहा है कि जिस पे कमेटी के हर मेंबर में आपस में डिफरेंसेस आ गया. तो यहाँ मैं हर एक इंडिविजुअल को मेंशन कर रही हूँ सेंटेंस में, तो इसीलिए मैं जो वर्ब यूज़ करूँगी वो प्लूरल वर्ब. अच्छा, एक वर्ड होता है नन. नन, वेयर एवर वी यूज दिस वर्ड नन, इट ऑलवेज गोज विद द प्लूरल वर्ब. जब भी नन आर सो डेफ एज दोज, ऑल्दो नन जो है वो सिंगुलर है लेकिन इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, हमेशा जब भी सेंटेंस में नन यूज होगा तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब वेंट, जब कभी वेंट टू सब्जेक्ट्स, वेन एवर वी हैव टू सब्जेक्ट्स एंड दे आर प्रॉपर नाउन, ओके दे आर प्रॉपर नाउन एंड दे आर ज्वाइंट टुगेदर बाई यूजिंग एंड, देन इट गोज विद प्लूरल वर्ब. जब भी हमारे पास कभी दो सब्जेक्ट्स हैं और दोनों ही प्रॉपर नाउन हैं और उनको हमने ज्वाइन किया है एंड को यूज करके, तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब को ही अग्री करेंगे. एग्जाम्पल, सैम एंड कैटी आर इन इंग्लैंड. Sam and Katie are in England. Sam and Katie is in England नहीं करेंगे, वो गलत होगा. There is a word means and pains. Means and pains एक ऐसा word है जिसका जो meaning होता है वो vary करता है according to the usage of the word in the sentence. Means का मतलब क्या हो गया, means का मतलब हो गया resources, ठीक है, या income भी बोल सकते हैं. Pains का मतलब हो गया, एक तो वो pain हो गया भाई जो डिजीज़ की वजह से पेन होता है, एक पेन होता है हम जो लाइफ में एफर्ट करते हैं किसी काम को करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए जो हम तकलीफ़ें उठाते हैं, जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो भी एक पेन्स हो गया. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ही वर्ड के मीनिंग जो है वो वैरी कर रहे हैं. तो ये दोनों वर्ड ऐसे हैं कि इनका जो मीनिंग है वो वैरी करेगा हमेशा. तो अकॉर्डिंग टू द यूजेज इन द सेंटेंस, इफ़ दीज वर्ड्स मीन्स सेंस प्लूरल, बोथ दीज वर्ड मीन्स एंड पेन्स, If they were a sense plural in a sentence, then it agrees with the plural verb. अगर इनका meaning sentence में plural निकल रहा है, जैसे हम अगर means की बात करें तो हम let's say हम अगर income की बात कर रहे हैं, अगर हम income की बात करें तो income तो obvious है कि वो plural है, चाहे वो कितनी भी कम income हो but वो plural form ही होती है, तो उसके साथ plural verb जाएगा. Same इसी तरह से pains के साथ है. तो इनका जो pains और means का जो के साथ singular और plural का कोई फिक्स रूल नहीं है, ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द यूजेज ऑफ दीज टू वर्ड्स इन द सेंटेंस, कि वो व्हाट इट मीन्स इन अ सेंटेंस, कैसा उसका मीनिंग है, उसका यूजेज कैसा हुआ. अगर वो प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है तो प्लूरल वर्ब आएगा, और अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ तो सिंगुलर वर्ब. वो फिर हम लेटर ऑन वी विल डिस्कस विद सिंगुलर. तो ये थे, ये 7 रूल्स थे अबाउट व्हेन, अबाउट इन व्हाट सिचुएशन वी यूज प्लूरल वर्ब. ठीक है, तो ये दीज आर द 7 रूल्स जिसमें हम प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे. ओके, नाउ मूविंग टू दैट पॉइंट, व्हेन मूविंग टुवर्ड्स दैट डिस्कशन, व्हेन वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब इन अ सेंटेंस. अब हम सिंगुलर वर्ब कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उसके भी वी हैव 10 डिफरेंट रूल्स. सबसे पहला, इफ वी हैव टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड दे आर ज्वाइंड बाई और नॉर, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब. अभी मैंने आपको प्लूरल में बताया था कि वी हैव टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड दे आर ज्वाइंड बाई एंड, तब हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया है. और अगर दो ही सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और उनको हमने ज्वाइन किया है या तो और या नॉर यूज़ करके, तब हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. क्लियर हो गया, थोड़ा मिक्सिंग सा है बट आपको इतना ही याद करना है कि अगर एंड आया है तो मैंने प्लूरल वर्ब यूज़ करना है, और अगर और एंड नॉर है तो मैं सिंगुलर वर्ब यूज़ करूँगी. ठीक है, इफ द सब्जेक्ट इज सजेस्टिंग एनी आइडिया और कॉन्सेप्ट, इफ द सब्जेक्ट सजेस्टिंग एनी आइडिया और कॉन्सेप्ट, देन इट अग्रीज विद द सिंगुलर वर्ब. यानी सब्जेक्ट जो है वो किसी इस्टेब्लिश्ड आइडिया या कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा है, तो उसमें आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. जैसे ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली मीन्स, सिर्फ ब्रेड और बटर ही उसके रिसोर्सेज हैं. ठीक है,
तो यहाँ पर हम ब्रेड और बटर जो है वो एक आइडिया, एक इस्टेब्लिश और नोन आइडिया के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है, ठीक है। अगर इफ़ द सब्जेक्ट इज़ पैरेंथेटिकल देन ऑल्सो वी विल यूज़ सिंगुलर वर्ब। पैरेंथेटिकल का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट का एनी हाउ पार्ट है या उससे किसी तरह से कनेक्टेड है। जैसे द हाउस विद इट्स कंटेंट इज इंश्योर्ड, द हाउस विद इट्स कंटेंट्स इज इंश्योर्ड, तो यहाँ पर जो कंटेंट्स है वो हाउस का पार्ट है, ठीक है, हाउस का पार्ट है। और ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे जहाँ पे पैरेंथेटिकल चीज़ों का सब्जेक्ट्स का यूज़ होगा, वहाँ पे या तो विद या एज वेल एज जैसी किसी चीज़ का यूज़ होगा, तो उसमें आप क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे द शिप विद इट्स क्रू वॉज लॉस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर शिप और क्रू दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, ये दूसरे के पैरेंथेटिकल है, ठीक है, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट अब आता है जैसे देर आर सम वर्ड्स लाइक ईदर, नीदर, ईच, एवरी वन, मस्ट और मैनी अ, इफ इट इज़ यूज इन अ सेंटेंस देन इट गोज विद अ सिंगुलर वर्ब। ये वर्ड्स अगर आपके सेंटेंस में यूज़ हुए हैं और इनके साथ वर्ब यूज़ हो रहा है, वर्ब पूछा जा रहा है, तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही ऑप्ट करिएगा। If there are two nouns in a sentence and both of them are qualified by each and every and they are joined together by using and, then it goes with a singular verb. यानी अगर आपके सेंटेंस में दो नाउन यूज़ किए गए हैं और दोनों ही ईच या एवरी के साथ उनको लिखा गया है, बीच में उनके एंड यूज़ किया हुआ है, तो फिर ऐसे केस में आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल जैसे ईच बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवेन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवेन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ रूल्स, ये मैं बता रही हूँ सिंगुलर वर्ब के कि कहाँ कहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और है, नाउन्स, देर आर सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म्स बट सिंगुलर इन मीनिंग, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने प्लूरल के साथ बताया था कि देर आर सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म्स बट प्लूरल इन मीनिंग्स, तो प्लूरल वर्ब जाएगा। और यहाँ मैं बता रही हूँ कि अगर नाउन प्लूरल इन फॉर्म्स है और सिंगुलर इन मीनिंग है, तो सिंगुलर वर्ब जाएगा। मीनिंग वो कौन से होते हैं, जैसे न्यूज़ हो गया, न्यूज़ हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है बट उसकी मीनिंग सिंगुलर होती है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन की बात कर लेते हैं, If we have used a collective noun in a sentence and if we are talking it as a, if we are considering it in a sentence as a whole, then we use singular verb, ठीक है। कलेक्टिव नाउन हमने प्लूरल में भी डिस्कस किया था, वहाँ पर इसका ऑपोजिट होता है। एग्जाम्पल जैसे सेम मैं वही कमेटी वाला एग्जाम्पल देती हूँ, द कमेटी हैज़ इशूड इट्स रिपोर्ट। पहले मैंने आपको बताया था द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट, यहाँ पे मैं कमिटी के हर इंडिविजुअल के बारे में बात कर रही हूँ। अब मैं कमिटी को एज अ होल कंसिडर कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, द कमिटी हैज़ इशूड इट्स रिपोर्ट, तो यहाँ पे तो होल कमिटी ने कोई रिपोर्ट इशू की है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने सिंगुलर वर्ब लिया है। वेन प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम एंड इट इज़ अ कलेक्टिव यूनिट, वेन प्लूरल नाउन, अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, मैं बात कर रही हूँ प्लूरल नाउन की, नाउन जो है वो प्लूरल है फॉर्म में एंड इट इज़ अ प्रॉपर नेम ऑल्सो, और वो प्रॉपर नेम है, साथ ही वो एक कोई कलेक्टिव यूनिट भी है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट इज़ अ स्टिल अ फेवरेट, ओके, इज़ अ स्टिल अ फेवरेट, या द गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर्स ट्रैवल के साथ आप आर नहीं यूज़ करेंगे अरेबियन नाइट्स के साथ, इनके साथ आप इज़ यूज़ करेंगे, मीन सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। आई एम रिपीटिंग माई रूल अगेन, इफ़ द नाउन इज़ अ प्लूरल नाउन एंड इट इज़ अ प्रॉपर नेम ऑल्सो, ये प्रॉपर नेम भी होना चाहिए, एंड इट इज़ अ कलेक्टिव यूनिट, कलेक्टिव यूनिट यानी कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ समथिंग, तो इस ऐसे केस में आप जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ अ नाउन इज़ अ प्लूरल नाउन and it denotes, if a noun is a plural noun and it denotes any specific quantity or amount then it agrees with the singular verb. जैसे example amount की अगर हम बात करें, 50,000 is a big amount, तो 50,000 are big amount नहीं बोलूँगी मैं बोलूँगी 50,000 is a big amount, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया if a subject is a plural noun and it is denoting a specific quantity or a number, then we will use it agrees with the singular verb. Next आ जाते हैं हम
अगेन वही मैंने एक वर्ड आपको बताया था जो प्लूरल में डिस्कस किया था, सेम वही टू वर्ड्स अगेन आई एम डिस्कसिंग हियर, वर्ड मीन्स एंड पेंस. इफ द वर्ड मीन्स एंड पेंस सेंस सिंगुलर इन अ सेंटेंस देन इट गोज विद अ सिंगुलर वर्ब. अगर वो प्लूरल सेंस करता है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, और अगर सिंगुलर सेंस कर रहा है सेंटेंस में, उसका मीनिंग सिंगुलर निकल रहा है, तो हम सिंगुलर वर्ब करेंगे. उसमें वो किस तरह से होगा, वो भी सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है इन सब से, एक्सेप्शन कह सकते हैं. लाइक इफ वी हैव टू सब्जेक्ट्स, ओके, इफ वी हैव टू सब्जेक्ट्स एंड दे आर जॉइंड बाई और नॉर, इफ वी हैव टू सब्जेक्ट्स एंड दे आर जॉइंड बाई और नॉर एंड दे आर डिफरेंट इन पर्सन्स. मैंने ये पहले भी एक डिस्कस किया था, इफ दे आर टू सब्जेक्ट्स एंड दे आर जॉइंड बाई और नॉर एंड दे आर डिफरेंट इन, मैंने बात की थी नंबर की, वहाँ पे सिंगुलर प्लूरल नंबर की बात की थी, तब प्लूरल जो प्लूरल सब्जेक्ट जो है उसको हम वर्ब के साथ रखेंगे और वर्ब भी प्लूरल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे बात करी हो, इफ दे वी हैव टू सब्जेक्ट्स एंड दे आर सेपरेटेड बाई और, सेपरेटेड बोल सकते हैं, ज्वाइंट बोल सकते हैं, वी हैव टू सब्जेक्ट्स एंड दे आर ज्वाइंट बाई और नॉर. ठीक है, और नॉर एंड दे आर डिफरेंट इन पर्सन्स, देन द वर्ब अग्रीज विद द नियरेस्ट पर्सन और नियरेस्ट सब्जेक्ट. अगर हमारे पास सब्जेक्ट सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं और दोनों सब्जेक्ट पर्सन्स में वैरी कर रहे हैं और उनको मैंने एंड को यूज़ करके ज्वाइन किया है, तो ऐसे केस में जो वर्ब के क्लोज जो सब्जेक्ट लिखा गया होगा, जो वर्ब होगा, उससे अग्री करेगा. एग्जाम्पल, नीदर यू नॉर ही इज़ टू ब्लेम, नीदर यू नॉर ही इज़ टू ब्लेम. ओके, यहाँ पे एक मैंने आपको वो भी बताया था, ईदर नीदर और ईच एवरी वन, मैनी और मस्ट का भी बताया था, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे ईदर के साथ, नीदर के साथ मैंने वर्ब रखा ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वर्ब होना चाहिए. ईदर नीदर वो जो रूल बताया था उसमें उन वर्ड्स के साथ वर्ब होना चाहिए, यहाँ पर वर्ब नहीं है, यहाँ पे प्रोनाउन है यूज़ किया गया, नीदर यू नॉर ही इज़ टू ब्लेम. तो क्योंकि ही जो है वो वर्ब के क्लोज है, तो जो वर्ब अग्री कर रहा है वो ही से कर रहा है, ही इज़. एक वन मोर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, ईदर ही और आई एम मिस्टेकन, ईदर ही और आई एम मिस्टेकन, आई के साथ वर्ब अग्री करेगा एम, तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब का जो अग्रीमेंट होगा वही लिखा जाएगा, वही यूज़ किया जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मर सब्जेक्ट यूज इन अ सेंटेंस. ठीक है, यहाँ पे आप इधर और नीदर से कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि जब और नॉर यूज़ हो रहा है तो सेंटेंस में इधर और नीदर तो आता ही है, बट वो जो पहले मैंने आपको रूल बताया था वहाँ पर जो है इधर नीदर ईच एवरी वन मैनी और मस्ट का जो अग्रीमेंट होगा वो वर्ब के साथ होगा, उनके उनके पास वर्ब होगा तब आप उनकी अग्रीमेंट करेंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो आई थिंक दिस सेशन इज़ क्वाइट गुड, और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. आई हैव रिपीटेड दिस टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मल्टीपल टाइम्स बिकॉज आई वॉज नॉट माई सेल्फ नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द आउटकम ऑफ द वीडियो, दैट्स वाई आई हैव मेड इट, एंड नाउ आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, एंड बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो इट इज़ गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, सो आई वॉन्ट दैट यू शुड वॉच द वीडियो केयरफुली and understand the concept. So this is all about subject verb agreement. We will meet again tomorrow next time. Till then, Allah Hafiz. Have a good day.